And good morning. Today we will going to discuss some numericals of chapter capstans means in series and parallel combination of a capstan के कुछ numerical है वो अभी हम discuss करेंगे. तो जैसे कि आपके पास जो first numerical है वो इस type से दिया हुआ हो कि let us consider there are two capstan और एक का जो कैपेसिटर है वो आपके पास 20 माइक्रोफेराडे दे दिया और सेकंड का जो कैपेसिटेंस है वो दे दिया आपके पास सी. एंड इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है बिटवीन ए एंड बी, जो ई सी इक्विवेलेंट है कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी वो आपके पास कितना दे दिया 4 माइक्रोफेराडे. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. अगर इस तरह की आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो then find the value of a C. आपको C की वैल्यू निकालनी. तो C की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल सा है कि आपके पास अगर इस तरह से कनेक्ट है तो इट मीन्स ये आपके पास किस में कनेक्ट है, सीरीज में. और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि सीरीज के अंदर जो कैपेसिटेंस है वो इस टाइप से कनेक्ट होते हैं रेसिप्रोकल में इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के फॉर्म में. मीन्स हमारे पास सीरीज के अंदर कनेक्ट है तो इनका एलसीएम लेंगे फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2. और पैरेलल के अंदर जो कैपेसिटेंस होते हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, मींस ओनली आपके पास सम होता है C1 प्लस C2, रेसिप्रोकल की फॉर्म में नहीं होते. अभी ही हमारे पास किसकी फॉर्म में कनेक्ट है, सीरीज की फॉर्म में कनेक्ट है. तो सीरीज के लिए हम सीधा 1/4 करेंगे फिर रेसिप्रोकल करेंगे उसका. इससे अच्छा हम क्या करें, इसको सीधा हमारे पास कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई C डिवाइड बाय 20 प्लस C. और ये हमारे पास किसके इक्वल दिया हुआ है, 4 के इक्वल. यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20C क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 प्लस 4C. इसको इधर लेके आएंगे 16C इज इक्वल टू 80. तो C की जो वैल्यू थी जो हमसे पूछी गई थी तो C हमारे पास कितना आ गया 5 माइक्रो फेराडे. अब अगर मान लीजिए सेकेंड पॉइंट में आपसे ये पूछ ले कि इफ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, कि 12 वोल्ट बैटरी है उसको कनेक्ट कर दिया, मींस यहां पर ए और बी के अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट कर दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए चार्ज. चार्ज की वैल्यू आपको निकालनी. अब देखो ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हमारे पास दे रखा है 4 माइक्रोफेराडे और 12 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट कर दिया, इट मींस हमें चार्ज निकालना है. तो चार्ज इक्वल टू कितना होता है, C × V. सी हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 है, 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया है, माइक्रोफेराडे में है तो चार्ज है वो किस में आ जाएगा, माइक्रो कूलम में. तो यहाँ इसके अक्रॉस जो चार्ज है वो हमारे पास कितना आ गया, 48 माइक्रो कूलम आ गया. अब अगर मान लीजिए थर्ड पॉइंट में आपसे ये पूछ लिया जाए कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस इच कैपेसिटर, कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा. अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. अब देखो बेटा फॉर्मूला तो यही रहेगा Q = C × V. पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होता है लेकिन यहां पर किस में कनेक्ट है, सीरीज के अंदर, और सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाता है तो इसके अक्रॉस हम V1 मान ले, लेकिन सीरीज के अंदर जो चार्ज है वो सेम रहता है और चार्ज हमारे पास कितना आया 48 और V हमारे पास कितना हो जाएगा Q/C. अब V1 इज इक्वल टू चार्ज तो सेम रहेगा 48 और ये आपके पास कितना दिया हुआ है 20. जब आप इसको सोल्व करोगे 22 + 40 यहां पर कितना बचेगा 0.4, क्या आ गया हमारे पास ये वोल्ट, 2.4 वोल्ट. अब आपके पास इसके अक्रॉस V2 मान लेते हैं तो V2 ये आपके पास कैपेसिटेंस कितना दे रखा है जो हमने निकाला है 5. इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9.6 वोल्ट. आप देखो जब दोनों को ऐड करोगे
तो 2.4 और 9.6 तो आपके पास कितना आएगा, 12 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि 12 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट किया था, तो 12 वोल्ट बैटरी ही तो आपके पास दोनों में, यहाँ इसके अक्रॉस V1 मान लिया और इसके अक्रॉस कितना मान लिया V2, तो V1 प्लस V2 आपके पास कितना आएगा, 12 वोल्ट ही आएगा। अब आपके पास अगर इस तरह की प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है आपके पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे दिया और यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, तो आप इस तरह से इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड आपके पास देखो, सेकेंड जो न्यूमेरिकल है वो अभी हम जनरल न्यूमेरिकल है वो सोल्व कर रहे हैं। सेकेंड में आपके पास इस तरह से दे दिया, लेट अस कंसीडर देर आर थ्री कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट, इस प्रकार से आपके पास कनेक्ट दे दिए, ऐसे कनेक्ट कर दिए, और यहां पर हमारे पास दे दिया ए पॉइंट और यहां पर हमारे पास दे दिया बी पॉइंट, और अभी हम पर्टिकुलर कोई भी कैपेसिटेंस है वो सी ले लेते हैं, बाद में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर इस टाइप से आपके पास दे दिया, अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि अभी हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो अभी इस टाइप से आपके पास कनेक्टेड दे दिए और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो देखो बेटा यहाँ कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है, इट मींस ये आपके पास पॉइंट कितना है, ए ही है। अब यहाँ पे देखो इसके अक्रॉस कोई भी नहीं है, तो इट मींस ये पॉइंट आपके पास क्या है, बी। अब ये देखो आपके पास यहां से यहां तक इधर से बस ओनली वायर ही तो है, कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है, इट मींस ये आपके पास पॉइंट कितना है, ए। अब ये देखो यहां से यहां तक भी कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है, इट मींस आपके पास ओनली वायर ही तो है, तो ये आपके पास पॉइंट है वो कितना है, बी। अब देखो आपके पास कैसे कनेक्ट कर दोगे, एक तो है ए से बी कनेक्ट, एक है आपके पास बी से ए कनेक्ट, और फिर ए से है बी कनेक्ट। तो देखो बेटा इसको हम कैसे कनेक्ट कर देंगे, कि एक कैपेसिटर है हमारे पास ए से बी, ये पॉइंट है वो हमारे पास कितना है, ए, और ये पॉइंट है वो हमारे पास है बी, ऐसे बी कनेक्ट कर दिया। देखो यहां से ये भी ऐसे बी कनेक्ट कर दिया और ये भी हमने ऐसे बी कनेक्ट कर दिया। देखो दोबारा ध्यान से, ए से बी एक कैपेसिटर कनेक्ट है तो ए से बी हमने कनेक्ट कर दिया, यहां देखो बी से ए कनेक्ट है तो बी से ए कनेक्ट हमने कर दिया, तीसरा फिर ए से बी कनेक्ट है तो ये हमने देखो ए से बी कनेक्ट कर दिया। इट मीन्स अब आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है यहाँ इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम दे रखी है तो उसको पहले हम सिंपल वे के अंदर लिख लेंगे, तो ये आपको अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये किसके अंदर कनेक्ट है, पैरेलल में, और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बिटवीन ए एंड बी वो हमारे पास कितना हो जाएगा पैरेलल के अंदर, सी प्लस सी प्लस सी, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3C। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू दे रखी हो कि इच कैपेसिटेंस है वो 20 माइक्रोफेराडे का है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो बिल्कुल सिंपल जहां सी सी था वहां पर आप कितना पुट कर दोगे, 20 दिया हुआ है तो 20 कर दोगे, 2 दे रखा है तो 2 दे दो कर दोगे, जैसा आपके पास वैल्यू दे रखी है उसी के अक्रॉस, तो इसका आंसर फिर आपके पास कितना आ जाएगा, 60 माइक्रोफेराडे। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल है वो देखो, इसी प्रकार से कनेक्ट है लेकिन थोड़ा सा उसको हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज हमने किस टाइप से किया, इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया, अभी हमने 3 ले रखे थे, अब हम कितने ले लेते हैं, लेट अस कंसिडर देर आर 5 कैपेसिटेंस ले लिया हमने ए और बी के अक्रॉस, कितने कैपेसिटेंस ले लिए, 5। अब जैसे कि मान लीजिए यहां पर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं पहले, और इच हैविंग कैपेसिटेंस, हर एक का जो कैपेसिटेंस है वो आपके पास कितना दिया हुआ, सी। अब ऐसे कनेक्ट कर दिया, देखो बेटा इस टाइप से कनेक्ट कर दिया, एक को उधर से छोड़ दिया, एक को इधर से छोड़ दिया, और ये पॉइंट है वो ए कंसिडर कर लिया, और ये पॉइंट है वो बी कंसीडर कर लिया, और इनको कुछ और ले लेते हैं, इसको एम ले लिया और इसको कितना ले लिया, एन। अब देखो आपके पास इस टाइप से कनेक्टेड है और फिर आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन,
इस टाइप से कनेक्ट है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है एम और एन के बीच में। तो देखो बेटा कैसे कनेक्ट करोगे, बिल्कुल सेम वैसे ही आपके पास जैसे ये ए से ए है क्योंकि इनके बीच में कोई भी वायर नहीं है, ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए ही है, बिल्कुल ऐसे ही सॉरी इनके बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है। अब यहां देखो इनके बीच में भी कोई भी कैपेसिटर नहीं है, इट मींस ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट आपके पास कितना है, बी है। अब देखो अगेन बिल्कुल सेम वैसे ही कि एक कैपेसिटर तो पहले हमारे पास यहां बच गया था, उसके बाद एक ए से बी कनेक्ट है, बी से ए कनेक्ट है और अगेन आपके पास ए से बी कनेक्ट है, तो बिल्कुल एज इट इज वैसे ही। ये देखो आपके पास ये पॉइंट हमने ए ले लिया और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी, बी से ए कनेक्ट कर दिया, ए से बी कनेक्ट कर दिया और ए कैपेसिटेंस हमारे पास आगे है और ये पॉइंट है हमारे पास एन और ये पॉइंट है हमारे पास एम। ठीक है बेटा देखो दोबारा, ए से बी कनेक्ट कर दिया, फिर आपके पास बी से ए कनेक्ट कर दिया, फिर अगेन ए से बी कनेक्ट कर दिया। अभी सिंपल पहले हरेक का कैपेसिटेंस है वो हमने कितना ले रखा है, सेम। अब यहां पर अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है तो उसके अक्रॉस आप इसको सोल्व कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए सपोज करो टू है, ये दो तीनों थ्री थ्री है, ये इसकी वैल्यू है वो भी आपके पास जैसे फाइव है सिक्स है कुछ भी है, तो आप जनरल आपके पास अभी जनरल क्वेश्चन है वो सोल्व कर रहे हैं तो उसके अक्रॉस आप वैल्यू है इनकी पुट कर सकते हो। तो देखो अभी ये आपके पास सी है, ये तीनों पैरेलल के अंदर कनेक्ट है और पैरेलल में तो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, मीन्स वन बाई सी प्लस वन बाई सी, सॉरी पैरेलल के अंदर कनेक्ट कैसे होते हैं, सी प्लस सी प्लस सी मीन्स कितना हो जाएगा, थ्री सी, तो ये थ्री सी हो गया और ये हमारे पास कितना है, सी, ये है एम और ये आपके पास क्या है, एन। अब देखो बेटा ये तीनों किसमें कनेक्ट है, सीरीज के अंदर, और सीरीज के अंदर कनेक्ट कैसे करते हैं हम, वन बाय सी प्लस वन बाय थ्री सी प्लस वन बाय सी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बीच का निकाल रहे हैं, एम और एन का। आप देखो इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, थ्री सी, इधर कितना आएगा, थ्री प्लस वन प्लस थ्री, तो ये आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, थ्री वन प्लस फोर प्लस थ्री कितना आ गया, सेवन डिवाइड बाय थ्री सी, ये तो इसका रेसिप्रोकल है, तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बिटवीन एम और एन वो आपके पास कितना आ जाएगा, थ्री सी बाई सेवन। अब आपके पास जो भी वैल्यू दे रखी है सी की, देखो बेटा यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है सी की वैल्यू सभी में सेम हो, जैसे सपोज करो यहाँ पर टू माइक्रो फैराडे दे दिया, यहाँ आपके पास थ्री, यहाँ पर फोर या फाइव, तो आपको बस ओनली क्या करना है, ये तो पैरेलल में कनेक्ट था, ये आपके पास अगेन फिर किस में है, सीरीज में, तो जो वैल्यू आपके पास दे रखी है सी की उसके अक्रॉस आप वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये आपके पास अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको इस टाइप से सोल्व करोगे। अभी नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो देखो किस टाइप का है, नेक्स्ट हमारे पास इस टाइप से कनेक्ट कर दिए कि जैसे कि आपके पास ऐसे कनेक्ट कर दिए कि दो कैपेसिटर तो इस टाइप से कनेक्ट कर लिए, उसके बाद में आपके पास टू कैपेसिटर है वो इस टाइप से कनेक्ट कर दिए और दो इसके डायगोनली अक्रॉस कनेक्ट कर दिए और दो इधर से कनेक्ट कर दिए डायगोनली और ये पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को ले लिया ओ और यहां इस पॉइंट को ले लिया एन और इस पॉइंट को ले लिया एन। अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन एम और एन के बीच में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हैविंग, जनरल सोल्व कर लेते हैं अभी, इच कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस सी। अगर आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप कैसे सोल्व करोगे, तो देखो बेटा अगर ये पॉइंट एम है और इनके बीच में कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है, इट मीन ये भी पॉइंट आपके पास एम हो जाएगा। अब ये पॉइंट एन है, इनके बीच में भी कोई कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है, इट मींस ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, एन। अब आपको यहां से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि एम और एन के बीच में दो कैपेसिटर है, इधर से देखो एम और एन के बीच में दो कैपेसिटर है, इधर से देखो एम और एन के बीच में भी टू कैपेसिटर है और इधर से देखो बेटा एम और एन के बीच में भी टू कैपेसिटर है। तो अगर आपके पास इस टाइप से है
तो भी आप क्या करोगे, पहले इसको सिंपल वे के अंदर लिखोगे। मीन सिंपल वे के अंदर देखो आप किस टाइप से कर सकते हो कि दो पॉइंट है हमारे पास, एक एम है और एक एन है, एम और एन इनके बीच में टू कैपिस्टर है, एम और एन के बीच में टू कैपिस्टर कर दी बेटा, ये पॉइंट एम था और ये हमारे पास क्या है एन। देखो पहली वाली लाइन हो गई, सेकंड में एम और एन के बीच में टू कैपिस्टर है तो सेकंड में एम और एन के बीच में टू कैपिस्टर ले लिए, देखो बेटा ये हो गया। थर्ड में भी एम और एन के बीच में टू कैपिस्टर है तो थर्ड में ये एम और एन के बीच में टू कैपिस्टर ले लिए, और फोर्थ में भी एम और एन के बीच में टू कैपिस्टर है तो ये फोर्थ भी ड्रॉ कर लिया। इट मीन्स इसका कैपिस्टेंस सी सी, सभी का सी सी है। अब ये देखो आपके पास ये दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में, फिर अगेन आपके पास सीरीज में, फिर अगेन सीरीज में, फिर अगेन सीरीज में। तो जो सीरीज में आपके पास एक का जो कैपिस्टेंस है सीरीज के अंदर, वन बाय सी प्लस वन बाय सी मीन्स टू बाय सी, और सीरीज के अंदर आपके पास कैसे कनेक्ट होते हैं सी बाय टू। इट मीन्स पहली आपके पास जो ये वाला है इसका इक्विवेलेंट कैपिस्टेंस कितना आया सी बाय टू, अगले का भी कितना आएगा सी बाय टू सी बाय टू सी बाय टू। इट मीन्स आपके पास कितने टाइम्स है ये, जैसे आपके पास ये आ जाएगा पहले का सी बाय टू आ गया, ऐसे ही आपके पास सेकेंड का भी सी बाय टू आ गया, थर्ड का भी आपके पास सी बाय टू आ गया, और फोर्थ का भी आपके पास कितना आ गया सी बाय टू। और ये पॉइंट हमारे पास क्या था एन, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है एन। अब हरेक का आपके पास जो कैपिस्टेंस है वो सी बाय टू सी बाय टू सी बाय टू और सी बाय टू, आप ये किसमें कनेक्ट कर दिए पैरेलल, और पैरेलल में जो आपके पास कैसे कनेक्ट होते हैं डायरेक्ट सीधा सी बाय टू प्लस सी बाय टू प्लस सी बाय टू प्लस सी बाय टू। देखो बेटा रेसिप्रोकल लिंक क्या है, एक कैपिस्टेंस ही सी बाय टू के इक्वल है, तो ये हमारे पास कितना हो गया फोर सी बाय टू, मीन्स ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई टू सी। ये सब करने की बजाय भी अगर हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे करते, देखो एक का आपके पास कैपिस्टेंस सी बाय टू आ गया और ये टोटल आपके पास कितनी लाइनें हैं फोर, तो एक का कैपिस्टेंस सी बाय टू है तो फोर का कितना आ जाएगा फोर मल्टीप्लाई सी बाय टू, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी टू सी। तो अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, अभी हम जनरल कर रहे हैं बेटा, देखो सी की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पर सी की जगह जैसे सपोज करो आपके पास टू माइक्रो फैराडे है तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा टू को टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा फोर माइक्रो फैराडे। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास चार्ज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो पहले एक और ले लेते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जैसे कि सपोज करो आपके पास इस टाइप से कनेक्ट कर दिए, ये पॉइंट आपके पास जैसे सपोज करो एम दे दिया और ये पॉइंट आपके पास एन दे दिया और ये कैपिस्टेंस है वो हमारे पास दे दिए सी, और सेकेंड हमारे पास एक कैपिस्टर यहां लगा दिया, ठीक है, और एक जो कैपिस्टर है जैसे यहां तक था आपके पास पॉइंट एन, और एक कैपिस्टर ऐसे लगा दिया यहां पर कोई भी पॉइंट मान लिया जैसे पी, और एक कैपिस्टर आपके पास इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। हरेक का जो कैपिस्टेंस है आपके पास वो कितना है सी सी सी, और आपको इक्विवेलेंट कैपिस्टेंस निकालना है बिटवीन एम और एन के बीच में, आपको इक्विवेलेंट कैपिस्टेंस निकालना है। तो एम और एन के बीच में जो आप इक्विवेलेंट कैपिस्टेंस है तो वो आप कैसे निकालोगे, देखो बेटा आपके पास ये पॉइंट एम है तो ये पॉइंट भी आपके पास क्या हो जाएगा एम ही, क्योंकि देखो यहां पर कोई भी कैपिस्टर करंट नहीं है, ये पॉइंट एन है तो देखो यहां से यहां तक भी आपके पास कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। अभी हमारे पास देखो बेटा क्या दिख रहा है कि एक तो एम और एन के बीच में है एक कैपेसिटर, तो एक हमारे पास एम और पी के बीच में है, एक पी और एन के बीच में है, और एक हमारे पास पी और एम के बीच में है। इट मीन्स हमारे पास जो पॉइंट है वो इस टाइप से दिया हुआ है कि यहां पर तो हम पॉइंट मान लेते हैं एम,
यहां पर हमने पॉइंट मान लिया, यहां पर जो पॉइंट है वो हमने कितना पुट कर लिया, एम पुट कर लिया। और ये देखो आपके पास इस ये जो कैपिस्टेंस है यहां पर पॉइंट कितना मान लेंगे, पी, क्योंकि एम और पी के बीच में देखिए एम और पी के बीच में आपके पास एक कैपिस्टेंस है। अगेन देखो बेटा एम और पी के बीच में एक है, पी से एम के बीच में भी एक कैपिस्टर है, इट मीन्स पी से एम के बीच में भी एक कैपिस्टर कनेक्ट कर दिया। एन और पी के बीच में भी है, इट मीन्स एन आपके पास इधर होगा एक पॉइंट, एम और एन के बीच में भी एक कैपिस्टर है, और अगेन देखो एम से एन के बीच में भी है, इट मीन्स ये हमारे पास इधर पॉइंट कौन सा था, एम, और वो पॉइंट हमारे पास कितना है, एन। तो इनके बीच में भी एक कैपिस्टेंस है और वो कैपिस्टेंस हमारे पास कितना है, सी। और हरेक जो कैपिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, सी सी सी। अगेन देखो बेटा पहले हमारे पास एम, ये पॉइंट एम था, यहां पर कोई भी कैपिस्टर कनेक्ट नहीं है तो ये पॉइंट भी एम हो जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास एन है तो ये पॉइंट भी हमारे पास कितना हो जाएगा, एन। देखो आप एम से पी के बीच में, एम से पी के बीच में एक कैपिस्टर कनेक्ट कर दिया। अगेन देखो पी से एम के बीच में, ये हमारे पास पॉइंट पी था, ये हमारे पास एन है, इसके बीच में भी कनेक्ट कर दिया। एक हमारे पास पी के से एम के बीच में था तो एक पी से एम के बीच में कनेक्ट कर दिया। और एक देखो इधर से एम से सॉरी एम से एन के बीच में था तो एक हमने क्या कर दिया, एम और एन के बीच में कनेक्ट कर दिया। अब देखो बेटा ये दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। तो अभी हम निकाला था दोनों पैरेलल में वन बाय सी, सॉरी दोनों आपके पास किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो पैरेलल में आपके पास सीधे कनेक्ट होते हैं और सीधे कितना हो जाएगा, सी प्लस सी कितना हो जाएगा, टू सी। और ये इसके साथ किस में कनेक्ट है, सीरीज में। और ये इसके साथ किस में कनेक्ट है, अगेन पैरेलल में। और ये हमारे पास पॉइंट क्या था, एन, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, एन। और हमें इक्विवेलेंट कैपिस्टेंस निकालना है बिटवीन एम और एन के बीच में। तो एम और एन के बीच में इक्विवेलेंट कैपिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, अगेन देखो बेटा ये दोनों किस में है, अभी सीरीज में। तो सीरीज में अभी आपको बताया था टू सी मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई टू सी प्लस सी मीन्स आपके पास कितना हो जाएगा, थ्री सी। तो ये इनका हमारे पास कितना आ गया, टू सी मल्टीप्लाई टू सी, तो ये हमारे पास हो गया टू सी मल्टीप्लाई टू सी डिवाइड बाई थ्री सी। एक सी से सी कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, टू सी बाई थ्री। इसका कितना आ गया, टू सी बाई थ्री। और ये हमारे पास इसमें किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। और पैरेलल में सीधा कनेक्ट करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, थ्री। तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, फाइव सी बाई थ्री। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इनके बीच में उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, फाइव सी बाई थ्री। तो ये था हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एम और एन। दोबारा देख लो बेटा, यहां पर पॉइंट एम है तो ये पॉइंट भी एम हो जाएगा, यहाँ ये पॉइंट एन है तो ये पॉइंट भी एन हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट नहीं होता इट मीन्स एक ही पॉइंट है आपके पास। यहां देखो एम और पी के बीच में एक है तो एम और पी के बीच में कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, एम पी और एम के बीच में है तो पी और एम के बीच में कनेक्ट कर दिया। इधर से देखो पी और एन के बीच में है तो पी और एन के बीच में कर दिया, यहां से हमारे पास एन और एम के बीच में है तो एन और एम के बीच में कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों हमारे पास किस में थे, पैरेलल में, तो पैरेलल में आपके पास सीधे जुड़ जाते हैं, सी प्लस सी टू सी, और ये हमारे पास कितना आ गया, सी। अब ये दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो इस तरह से कर लो बेटा, वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, ये भी एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, टू सी। तो ये आपके पास कितना आ गया, वन प्लस टू इट मीन्स थ्री बाई टू सी। तो पलटोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, टू सी बाई थ्री। तो आएगा हमने कितना लिखा है, टू सी बाई थ्री लिखा है। ये इन दोनों फिर आपस में किस में आ गया, पैरेलल में। पैरेलल में सीधा जुड़ते हैं, सीधा जोड़ोगे तो टू सी बाई थ्री प्लस सी, एलसीएम ले लिया हमने कितना आया, थ्री। तो ये इधर से वैल्यू कितनी आ गई, टू सी, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना आया, वन। तो ये कितना आ गया, थ्री सी, टू सी प्लस थ्री सी कितना आ गया, फाइव सी बाई थ्री। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी है सी की तो वो वैल्यू भी आप उसके अक्रॉस से पुट कर दोगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया बिटवीन एम और एन के बीच में। अब जो कुछ है और भी न्यूमेरिकल्स हैं इसी टाइप पे वो हम आगे की जो लेक्चर है उनमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।